सेम्फिल लाए हैं राम मंदिर से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। और आपको दिखाते हैं जो रामकथा कुंज का था, आपको रामकथा कुंज पता होगा और जिसको नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ रामकथा कुंज जो आपको पीछे दिख जाएगा इस साइड में, तो अभी उसमें मैं आपको दिखाता हूँ रामकथा कुंज में आखिर क्या चीज़ है और वहाँ पर जो मूर्तियाँ बन रही है क्यों बन रही है। तो चलिए चलते हैं रामकथा कुंज उस वाले हॉल में, तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है रामकथा कुंज राम जन्मभूमि हेतु। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है गाइस, तो जरूर पूरा वीडियो आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप जो राम भक्त हैं और जो पूरे हिंदुस्तान से या बाहर से भी जितने भी राम भक्त हैं वो लोग जरूर इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और नीचे आप कमेंट करिएगा जय श्री राम और जहाँ से आप हैं आप अपने प्लेस का नाम भी कमेंट करिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो चलिए चलते हैं रामकथा कुंज के अंदर में जो राम जन्मभूमि के लिए यहाँ पे जो मूर्तियाँ बन रही है मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा, काफ़ी अहम और काफ़ी अट्रैक्शन वाली मूर्तियाँ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि इसमें लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि हेतु, तो आप देखिए ये निर्माण हो रहा है यहाँ आपके अंदर में। और चलिए चलते हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, काफी अहम है, आप इसको जरूर देखिएगा। इस साइड आप देखिए काफी मूर्तियां बन रही हैं, इस साइड आप पूरे हॉल में देखिए जैसे लिखा हुआ है रामकथा कुंज, तो आप देखिए इस साइड में मैं एक एक करके आपको सारी मूर्तियां दिखाता हूँ। तो गाइस हम रामकथा कुंज के अंदर में आ गए हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि पीछे लिखा हुआ है रामकथा कुंज और राम जन्मभूमि हेतु के लिए, तो आपको पहले दिख जाएंगे महाबली हनुमान जी, तो प्रभु हनुमान जी हैं, तो आशीर्वाद लेते हैं फिर उसके बाद आपको पूरी मूर्तियां दिखाते हैं एक एक करके, आप जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। तो गाइस हम शुरू करते हैं एक एक करके आपको सारी मूर्तियां दिखाते हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे सारी मूर्तियां, और ये सारी मूर्तियां हमारे रामायण काल से रिलेटेड है और काफी अहम कैरेक्टर है जो यहां पे दिखाया गया है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी मूर्तियां दिखाता हूँ यहाँ से। गाइस जो आप ये देख रहे हैं ये है जब हवन हो रहा था, तो आपने रामायण देखा ही होगा, तो स्टार्टिंग में आपको जो दिखा होगा ये रामायण में ये अग्निदेव जी हैं और यहाँ पे हवन हो रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो ये खीर देते हुए देखिए आपको दर्शाया गया, इसमें देखिए पूरा काफी अच्छे से दर्शाया गया है ये सीन। इस साइड आप लोग देखेंगे तो ये देखिए चारों भाई हैं और माताएं तीनों हैं, जैसा कि आप देखिए प्रभु राम जी खेल रहे हैं, काफ़ी प्रिय लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा खूबसूरती से निकासी की गई है इन मूर्तियों की, ऐसा लगता है कि सचमुच आपके सामने ही हो, आप देखिएगा काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए इस साइड हमारे पीछे आप देखोगे तो पालने में प्रभु श्री राम जी बाल अवस्था में लेटे हुए हैं, तो आप देखिए कितना प्रिय लग रहा है, और ये झलुआ है, झलुआ बनाया गया है और देखिए झूल भी रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए गाइस कैसे झूल रहे हैं और कितना अच्छा बनाया गया है। अभी इसकी पेंटिंग नहीं हुई है, जैसे कि वो कलर हुआ था अभी ये कलर नहीं हुआ है, अभी ये सीमेंट का बनाया गया है, ये टोटली सीमेंट और मोरंग वगैरह पूरा लगा के और अच्छे से बनाया गया है काफ़ी मजबूती से कि बहुत दिनों तक यहाँ ये टिक पाए। और ये जितनी यहाँ पे आपको मूर्तियाँ दिख जाएंगी इस साइड में ये सारी मूर्तियाँ राम जन्मभूमि में
लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और इस साइड देखिएगा, मैं अभी एक एक करके आपको सारी मूर्तियाँ दिखाता हूँ। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे नारायण जी का है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। देखिए अभी पेंट नहीं हुआ है, पेंट हो जाएगा तो कलर हो जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये। इस साइड देखिए, ये की प्यास बुझत ना बुझाए, ओ मंगल भवन अमंगल हारी। अब देखिएगा तो माता जी हैं और प्रभु श्री राम जी हैं, देखिए कैसे खेल रहे हैं ये, और माता जी लेटी हैं। और इस साइड थोड़ा और मैं आके दिखाता हूँ। इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड आपको दिख जाएगा चारों भाई जो शिक्षा ग्रहण के लिए जा रहे थे, और ये सब यहाँ पे हवन हो रहा है तो रखवाली के लिए। इस साइड देखिए, और ये देखिए इस साइड आप ये देखिए ऋषि जी हैं उनके, यानी उनके गुरु जी, और साथ में देखिए ये पूरा तीर वगैरह सिखा रहे हैं इसको। ये चारों भाई हैं, इनको तीर सिखाया जा रहा है, जो धनु विद्या दिया जा रहा है। इस साइड आप देखिए, काफ़ी लोग जानते होंगे ये मोमेंट जो रामायण का है। ये देखिए ये तारका वध का है, देखिए यहाँ पे तीर लग चुकी है इनको इस साइड। और ये है देखिए प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, और देखिए ऋषि जी उनके साथ में हैं। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरुति मन भावन, पुन पुन के तने हूँ सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत ना बुझा। और इस साइड भी आप देखिएगा, यहाँ पे भी रामायण का ही मोमेंट है। इस साइड अभी ये कलर नहीं हुए हैं इस साइड, और आप देखिए इस साइड भी प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी हैं, और भी यहाँ पे और भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और इस साइड आप देखिएगा, ये सारे मोमेंट जो आप देख रहे हैं जितना भी, ये सारा रामायण से काल के रिलेटेड है ये। इस साइड देखिए, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, और गाइस ये शायद जनक जी का है। देखिए बैल हाँकते हैं और जो सीता जी मिलती हैं वो मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि यही है, देखिए क्योंकि बैल वगैरह और खेती उन्हीं करते थे। और इस साइड आप देखेंगे तो आपको और सारी प्रतिमाएं दिख जाएंगी प्रभु श्री राम जी की, लक्ष्मण जी की। इस साइड और भी आपको दिखाते हैं, ये दशानंद जी का है, काफी बड़ा दशमुख के। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ जड़ बिहारी, मधुर सरस अरुति मन भावन। और इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो और भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं प्रभु श्री राम जी की, और देखे चारों भाइयों की। इस साइड आपको दिख जाएंगी ऐसे और प्रतिमाएं हैं। इस साइड देखेंगे ये साइड दशरथ जी का है, और इधर प्रभु श्री राम जी हैं, और ऐसे इस साइड में भी सारी प्रतिमाएं हैं। आप एक एक करके ऐसे देखिएगा, और जो रामायण देखा हिंदू भाई लोग तो समझ जाएंगे कि ये कौन कौन सी मूवमेंट है रामायण काल का। इस साइड आप देखेगा केवट वाला मूवमेंट है, जिसे नाव बना हुआ है, और भी सीमेंट का नाव बना है। जब पेंट हो जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इस साइड देखिए चरण धो रहे हैं, जो केवट जी चरण धो रहे थे, केवट जो थे।
पुत्र बहु सुदशरथ अजर बिहारी। और गाइस यहाँ भी आपको बहुत सारी प्रतिमाएं दिख जाएंगी, इस साइड में भी रामायण काल से रिलेटेड, इस साइड आप देखिए, इस साइड भी है, ऐसे एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड आप देखिए, सुदशरथ जर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस हरुवति मन भावन। तो गाइस जैसा कि आपने सारी मूर्तियां देखी जो रामायण काल से रिलेटेड है, और ये सारी मूर्तियां प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है राम जन्मभूमि में, वो राम मंदिर में ये सारी मूर्तियां स्थापित होंगी, जैसा कि उसमें लिखा भी हुआ है, और यह स्थापित भी होंगी राम जन्मभूमि में जब यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा और राम मंदिर का भी काम हो जाएगा। और भी यहाँ पे मूर्तियां बनेंगी, जैसे कि यहाँ पे सरिया वगैरह लगा दिया गया है और भी सारी मूर्तियां बनने के लिए। और मैं थोड़ा सा और भी दिखाता हूँ इस साइड में, कैसे देखिए पहले ढांचा जो रहता है, कैसे बेस उसका मूर्तियां का बनाते हैं। जैसे इस साइड देखिएगा तो पहले सरिया का बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद इसमें सीमेंट का लेप वगैरह जो लगता है जैसे बनाते हैं, फिर उसके तरह बनाते हैं। और ये देखिए पूरा बेस रहता है ये सरियों का, इस साइड आप देखेंगे, इस साइड ये देखिए, इस साइड भी आप देखेंगे तो ऐसे बनाया गया है, पहले सरिया से बनाया जाता है फिर उसके बाद सीमेंट वगैरह लगाया जाता है। तो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम जी लिख दीजिएगा, और जहाँ से हैं आप उसका एड्रेस भी लिख दीजिएगा, आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।